राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने गुजरात आने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी के गुजरात आने से पहले कांग्रेस को जो झटका लगा है वैसा झटका पहले कभी नहीं लगा होगा। पीएम मोदी के दौरे और बीजेपी के जोर के झटके के बावजूद एक दो नहीं बल्कि 10 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए मोहन सिंह राठवा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि राठवा अब बीजेपी में शामिल होंगे। राठवा पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। इससे पहले मई में मोहन सिंह राठवा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं युवाओं को मौका देना चाहता हूं, छोटा उदयपुर के सबसे वरिष्ठ और मौजूदा विधायक मोहन सिंह राठवा ने कहा था, मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, नव युवाओं को मौका मिलना चाहिए। मैंने लगातार 11 बार चुनाव लड़ा जिसमें से मैं 10 बार जीता हूं, और जेतपुर पावी बोड़ेली और छोटा उदयपुर तालुका के मतदाताओं ने मुझे सबसे अधिक बार जिताकर गुजरात विधानसभा में भेजा है। मैं अब 76 साल का हो गया हूं और युवा नेताओं की जरूरत है जो गांव-गांव जा सके, लोगों के लिए दौड़ सके। उन्होंने कहा कि छोटा उदयपुर तालुका में 3 गांवों में छोटे बच्चों के प्राथमिक विद्यालयों में जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने कई बार विधानसभा में इसकी मांग की है, लेकिन अब जब नए युवा उम्मीदवार तैयार हो गए हैं और शेष प्रश्नों का समाधान लेकर आए हैं, तो मुझे लगता है कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से यही चर्चा थी कि मोहन सिंह राठवा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आखिरकार खुद मोहन सिंह ने खुद ही मीडिया के सामने आकर कह दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। माना जा रहा है कि उनकी जगह उनके बेटे राजेंद्र सिंह राठवा चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। राजेंद्र राठवा गांवों में शादियों भजनों में शामिल होकर मतदाताओं से लगातार संपर्क में हैं। मोहन सिंह राठवा 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 1980 में और 1985 में। छोटा उदयपुर में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अमर सिंह राठवा के खिलाफ चुनाव लड़ा और अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन तब उन्हें बीजेपी के वेछत भाई बारिया ने हरा दिया, लेकिन वो उसके बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।